हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है पोको X3 प्रो के अंदर लेटेस्ट इलाइट रोम का बीटा वर्जन, जो कि एक पोर्ट रोम आता है हर वीक और इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब इस रोम के अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन कैसे मिलती है, कैसे फीचर्स मिलेंगे, उन सब के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। बट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। सबसे पहले बात करेंगे सेटिंग्स के अंदर चलते ही माई डिवाइस पेज की, और एक रिमाइंडर है आज मैं भी आपको यहाँ पर कलर OS और ऑक्सीजन OS 12 जो उसका वीडियो मैंने डाला था, तो उसके फ्लैशिंग मेथड की वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, तो वेट कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। सबसे पहले देखोगे अबाउट फोन पेज के अंदर, यहां पे आपको मिलेगा इलाइट रोम लाइट वर्जन और इसको भी लाइट नेम दे दिया है, जो आपको फ्री वर्जन मिलता है, यहां पर 13 लिखा है। और ऑल स्पेक्स के अंदर दिखाता हूं मैं आपको बाकी चीजें भी। यहां पर आप देखोगे तो मेमोरी एक्सटेंशन है, एंड्रॉइड वर्जन 12 है, सितंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल है और जो बीटा वर्जन है वो 22.9.21 है और इस बार आपको कर्नल मिलता है पर्व का। और मैं सोच रहा था इस रोम के साथ में जो है लेटेस्ट कंगारू एक्स कर्नल को चेक करते हैं कैसी परफॉर्मेंस है, तो अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो। अब अगर हम चलते हैं न्यू फीचर्स की ओर, तो सबसे पहले इलाइट रोम कस्टमाइजेशन आपको मिलती हैं। अब पहले क्या होता था, नेक्स्ट जन वर्जन के लिए अगर आप यहाँ पर पेड रोम ढूंढ रहे हो, इसका पेड वर्जन जो आता है, तो उसके स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आपको नीचे स्क्रीनशॉट्स कुछ देखने को मिल जाएंगे इसकी कस्टमाइजेशन के रिगार्डिंग, तो वो आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भी आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो इस अपडेट के अंदर। बाकी आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे। एक नया पावर मेन्यू आ चुका है, ये भी नेक्स्ट जन से यहाँ पर आप बोल सकते हो लिया गया है। बाकी कलर्ड नोटिफिकेशन आइकॉन्स आपको मिलेंगे और राउंड द विंडो का ऑप्शन आपको मिलता है, PIP साइज है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फोल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी, तो मैं इनके ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सभी जो चेंजेस है वो Xiaomi की ओर से वही प्रीवियस वाले ही देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए हैं। नाउ इस रोम की स्मूथनेस चेक करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड आप चेकआउट कर सकते हो। रोम के अंदर जो एनिमेशन है ना, वो आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक CSX वर्स 2.1 जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दिया था, तो यहाँ पर भी आपको स्मूथनेस काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाती है। एंड MEMC वाले मैं थोड़े से फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर वीडियो टॉक बॉक्स वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड जो एनिमेशन है वो आप देख सकते हो। और रैम मैनेजमेंट भी आपको मैं डेफिनेटली यहाँ पर चेक करवाऊंगा कुछ ऐप्स ओपन करके, और अभी हम इनको 1x1 फिर से ओपन करेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो एनिमेशन है वो आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाते हैं एंड रोम लिटरली काफ़ी स्मूथ आपको फील होने वाली है। बट हाँ, जो एनिमेशन है या फिर जो भी आपको यहाँ पर टाइमिंग मिलती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की, वो MIUI की ओर से है, बट यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है, लेटेस्ट चाइना बीटा का लेआउट आपको मिलेगा, 4K 60 FPS वीडियो है, नाइट मोड है और इधर आपको ऑलमोस्ट सेम वही सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में नया एवॉल्ट आपको मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर नया विजेट स्टोर भी आप इनेबल वैसे कर सकते हो, वो ऑप्शन आपको होम स्क्रीन वगैरह के अंदर आई थिंक देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिवाइस यहाँ पर नॉट सर्टिफाइड है, और अगर आपको यहाँ पर बैंकिंग ऐप्स यूज़ करने हैं तो शॉर्ट मैंने एक ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग अपलोड कर रखा है, कैसे आप गूगल पे फोन पे को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एक रूटेड फ़ोन के ऊपर, या फिर जहाँ पर आपका डिवाइस सर्टिफाइड ना हो तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। DRM इन्फो के अंदर वाइडबैंड L1 है। अब 3D मार्क के अंदर जो स्कोर्स आपको मिलते हैं वो आप देख सकते हो एंड Geekbench 5 का स्कोर्स आप देख सकते हो। गेम टर्बो के अंदर ऑफकोर्स मैंने इनको ऐड कर रखा है। ये चार्जिंग स्पीड है, मैक्सिमम आपको ये स्पीड देखने को मिल जाएगी एंड चार्जिंग के टाइम में कोई मेजर हीटिंग इश्यूज मेरे को देखने को नहीं मिले। मैक्सिमम टेम्परेचर था 39-40 के आसपास और ये CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ है, यहाँ पर 90% तक आपका CPU थ्रॉटल होता है, 1,88,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS और एवरेज है 1,76,000 के आसपास। और ये नॉर्मल कंजप्शन है, बैटरी बैकअप आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑलमोस्ट 8-9% पर आर के आसपास मेरे को एक्टिव ड्रेन मिला, आइडल ड्रेन 0.10% के आसपास आपको मिलेगा एंड डीप स्लीप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपका वर्क कर रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको अभी भी बगी देखने को मिलेगी, जो नया स्क्रीन रिकॉर्डर है वो तो आपको मिल जाता है और 60 FPS का ऑप्शन यहाँ पर है, बट जो सिस्टम साउंड्स है ना वो आपकी यहाँ पर स्टिल वर्क नहीं कर रही, बट माइक वगैरह या फिर म्यूट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिसको आपको यहाँ पर जो है इसका स्टॉक स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है उसको आप यहाँ पर ऐसे यूज़ करोगे।
नाउ गेमिंग के ऊपर आएंगे तो गेमिंग परफॉर्मेंस वैसे अच्छी आपको मिल जाती है, बट ये पीक या फिर जो है बेस्ट रॉम फिलहाल आपको नहीं मिलेगी। वैसे ना जो FPS है वो तो आपको काफ़ी स्टेबल से देखने को मिल जाते हैं, बट समटाइम्स क्लोज रेंज के अंदर एज यू कैन सी इन द गेम प्ले आपको यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स फील हो सकते हैं। और टच के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं आया एंड ना ही कोई मेरे को मेजर हीटिंग इशूज़ देखने को मिले, बिकॉज जो कर्नल है वो पर्फ का है एंड पर्फ ऑप्टिमाइज्ड है बेटर स्मूथनेस बैटरी बैकअप के लिए, एंड थोड़ी आप यहाँ पर जो है नॉर्मल से बेटर गेमिंग कर सकते हो। तभी मैं यहाँ पर जो है सोच रहा था कि इसको कंगारू एक्स के लेटेस्ट अपडेट के साथ में जो है चेक करेंगे कि कैसी ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलती है। तो उस वीडियो का आप वेट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।